नमस्कार, दैनिक दस्तक के लिए मैं दिनेश चंद शर्मा। आंख का अंधा और नाम नयनसु। सरकार सबको वैक्सीन लगाने का सलाह तो दे रही है, पर वैक्सीन नहीं दे पा रही है। वैक्सीन की इतनी किल्लत हो गई है कि नए वैक्सीनेशन सेंटर खोलना तो दूर, पुराने वैक्सीनेशन सेंटर भी बंद पड़े हैं। हमारे देश में वैक्सीन का उत्पादन प्रतिदिन लगभग 27.5 लाख से 28 लाख है। देश की आबादी के हिसाब से इस गति को हम धीमी गति कह सकते हैं। वैक्सीन की किल्लत हो और सियासी पलटवार न हो, ऐसा कैसे संभव है? वैक्सीनेशन प्रोग्राम की हालत ऐसी हो गई है कि लोगों को वैक्सीन का डोज कम और राजनीतिक डोज ज़्यादा लग रहा है। मामला राज्य सरकार वर्सेस केंद्र सरकार का बन गया है। देश के लगभग हर राज्य में वैक्सीन की डिमांड ज़्यादा और सप्लाई कम है। सप्लाई पूरी कब होगी, इसका भी पुख्ता जवाब किसी के पास नहीं है। समाचार एजेंसी पीटीआई के हवाले से गत बुधवार 26 मई को फाइजर ने सरकार से कहा है कि उसका कोविड-19 वैक्सीन उच्च प्रभावी है। फाइजर ने सरकार को यह भी बताया कि उसकी वैक्सीन 12 साल से अधिक उम्र के सभी लोगों के लिए उपयुक्त है। इसे 2 से 8 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर 1 महीने तक स्टोरेज किया जा सकता है। अमेरिकी फार्मा सरकार के साथ जुलाई और अक्टूबर के 5 करोड़ खुराक को तेजी से मंजूरी देने की दिशा में बात कर रही है। अगर उसे प्रतिकूल घटनाओं के मामले में क्षतिपूर्ति या मुआवजे के दावों से सुरक्षा सहित महत्वपूर्ण नियामक छूट मिलती है। दोनों पक्षों ने कुछ हफ्तों में कई बैठकें की है, जिसमें कुछ में फाइजर के अध्यक्ष और सीईओ अल्बर्ट बोर्डो भी शामिल हैं। वर्तमान में भारत में उपयोग के लिए स्वीकृत तीनों टीके कोविशील्ड, कोवैक्सीन या स्पुतनिक बी में से किसी को भी ऐसी सुरक्षा नहीं दी गई है, पर फाइजर इस पर जोर दे रहा है क्योंकि उसे अन्य देशों जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका और कई यूरोपीय देशों से प्राप्त हैं। नमस्कार, मैं हूं एमएन राजा, आप देख रहे हैं दैनिक दस्तक न्यूज। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करें और शेयर करें ताकि अगली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।